दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान AK-101 के आगे के पहिए जाम हो गए। Hello everyone, this is your captain speaking, Ferris. I'd like to welcome you aboard Air India. Waiting for instructions. AK-101, we have cleared runway. क्या अमिताभ और अजय की जोड़ी फिर मचाएगी बड़े पर्दे पर धमाल? कहां कहां हुई फिल्म की शूटिंग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आने वाली फिल्म रनवे 34 काफी जबरदस्त फिल्म होने वाली है। ऐसे में फिल्म की शूटिंग काफी समय पहले पूरी हो चुकी है, जिसमें कई लोकेशंस पर फिल्म का शूट हुआ है। पहले तो आपको बता दूं कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा VFX के दम पर टिकी है, क्योंकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरा एयरवेज पर बेस्ड है। ऐसे में अजय देवगन जो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट और प्लेन का पूरा सेट तैयार करवाया था और पूरा शूट ग्रीन शीट के साथ हुआ है। ऐसे में फिल्म का VFX एक अहम रोल प्ले करने वाला है। वहीं रामोजी के अलावा मुंबई की एशिया लाइब्रेरी में भी एक ग्रैंड सीक्वेंस शूट हुआ था, जिसमें बोमन ईरानी, अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत, अजय देवगन सब नजर आए थे। वहीं फिल्म की शूटिंग मुंबई की एक और जगह पर भी हुई, जिसमें से एक जगह पर अजय को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। दरअसल हुआ ऐसा कि मेकर्स ने प्लेन का एक टुकड़ा वसई के ग्राउंड में खड़ा किया था और वहां पर एक इंस्पेक्टर थे श्री बाबू साहेब आहिरे, जिनका कहना था कि 15 लोग सेट पर अलाउड नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोविड महामारी के रूल्स के हिसाब से इतने लोग अलाउड नहीं थे और उन लोगों ने फिल्म पर केस रजिस्टर कर दिया सेक्शन 188-269 के तहत और शूटिंग को वहीं रोक दिया गया था, जिसके बाद फिल्म का कुछ पोर्शन बचा रहा, जिसे बाद में UAE के एयरपोर्ट पर शूट किया गया। फिल्म के किरदारों की बात करें तो अजय और अमिताभ काफी समय बाद एक साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। एक दौर था जब कसम हिंदुस्तान की फिल्म ने जबरदस्त रिकॉर्ड ओपनिंग दी थी और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया, और फिर आई दोनों की मेजर साहब, जिसमें भी कमाल का काम किया दोनों की जोड़ी ने। मैं बता दूं आप सभी को, जिनको लगता है छोटे बालों का ट्रेंड आमिर खान की दिल चाहता है कि देन है इंडस्ट्री को, तो ऐसा नहीं है। 1998 में आई मेजर साहब से पहले जहां लंबे बाल मतलब फिल्म हिट वाला कॉन्सेप्ट चलता था, फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो या सैफ हो या आमिर हो या किंग खान ही क्यों ना हो, लेकिन मेजर साहब में एक मिलिट्री मैन के किरदार में छोटे बालों का जो लुक अजय देवगन लेकर आए, जिसे सबने पसंद किया और फिल्म की कहानी और एक्ट्रेस की एक्टिंग इतनी जबरदस्त रही कि सब आज भी उस फिल्म को याद करते हैं। ऐसे में आने वाली रनवे 34 में एक बार फिर अमिताभ और अजय की जोड़ी साथ आ रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सबको पता है कि फिल्म की कहानी 2015 में हुए एक रियल एयरवेज की कहानी पर बेस्ड है, जिसका डिटेल हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है, लेकिन कहानी के सेकेंड हाफ की स्टोरी किसी को नहीं पता, और यही है फिल्म का जैकपॉट। कैसे कहानी कोर्ट रूम तक जाती है, फिर क्या होता है, किसकी जीत होती है इसमें, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे फिल्म में 29 अप्रैल को। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं रनवे 34 की रिलीज को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।